आइए बहुत सुंदर भजन साढ़े चार से कभी प्यासे को। और मेरे अंदाज में इनकी बातें बंद करा हुआ बहुत सुंदर भजन शायद आपने कानों द्वारा सुना हो शायद। भैया जी बैठ जाओ बैठो। कहा किसी ने कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, तो फिर आंसू बहाने से क्या फायदा। क्या बात है, बहुत सुंदर। आइए प्यारी प्यारी मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्यार प्यार से ताली बजाएंगे। कोई जोर से ताली भले ही न बजाए, प्यार प्यार से हो देखे। गीत भगवाने के लिए जा रहा हूं, आपके दिल में उतर जाएगा। आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि संतान अपने घर में अपने मां बाप को छोड़ करके देखने के लिए माहौल ये मिलता है कि तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। गोवर्धन की यात्रा, वृंदावन मथुरा दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मैं उन बेटाओं से एक ही बात कहूंगा, घर में तो अपने माँ बाप को पानी तक ही नहीं पूछते हैं, और तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा क्या वो परिक्रमा, क्या वो यात्रा सफल हो सकती है? हो सकती है सब? नहीं हो सकती है। क्यों? उसको ये ज्ञात नहीं है कि हमारे माँ बाप ने न जाने कितनी मेहनत मजदूरी की जब हमें पाला। अपने माँ बाप को पुत्र ऐसे ही ठुकरा देते हैं। तो मैं उसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भगवान तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। गीत पसंद आता रहे, भजन आपके दिल को सुनता रहे, तो केवल प्यारी प्यारी तालियां। कौशल भाई बैठ जाइए। सारे तीरथ तेरे घर के। मैं उन बेटाओं से कह रहा हूँ जो माँ बाप को ठुकरा देते हैं, माँ बाप को भूल गए और गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और लाइन दिल को छूती रहे तो केवल आपसे तालियां। घर पे मैया ये भूखी हो, घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे, तो संत ब्राह्मण जिमाने से क्या फायदा। Thank you.
सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, क्या फायदा? घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे, संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा? जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, जिस माने अपने गर्भ से जन्म दिया, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये जाना नहीं। जिस माने पैदा किया उसको बेटे भूल जाते हैं, उनको ये याद नहीं है कि हमारी माँ ने खुद गीले में सोकर के हमें सूखे में सुलाया, अपनी उंगली हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया, इस दुनिया को दिखाया, पाल पोस करके बड़ा किया, और आज हम उस माँ के लिए दो रोटी नहीं दे सकते हैं। तो उस माँ को दुख होता है क्योंकि माँ बाप के बुढ़ापे के लिए उनकी लाठी होती है उनकी संतान, और जब संतान ही लात मार दे तो फिर माँ बाप फूट फूट करके रोते हैं। जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये जाना नहीं। क्यों? जग जननी के तन पे है धोती फटी, जिस माने हमें अपने गर्भ से जन्म दिया, जग जननी के तन पे है धोती फटी, माँ पे चूंदर चढ़ाने, माँ पे चूंदर, जग जग जननी के तन पे है धोती फटी, माँ पे चूंदर चढ़ाने, जग जननी के तन पे है धोती फटी, तो माँ पे चूंदर चढ़ाने से क्या फायदा? जो तेरे माँ बाप है, देखिए आप बात बंद कर दे, जो तुम्हारे माँ बाप है, चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, छोड़े इनको भटकता काहे संसार में। हो 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 अपने माँ बापों को ठुकरा करके परिक्रमा के लिए जाते हो, जीवन में भविष्य में कभी भी स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। चलते फिरते वो भगवान घर में तेरे, छोड़े इनको भटकता काहे संसार में। क्यों? पिता पानी को प्यासे बिलखते रहे, पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, शिव पे कावर चढ़ा, पिता पानी के लिए तड़प रहे, बेटा से कह दिया कि बेटा मुझे प्यास लगी है मेरे लिए पानी लेके आओ, तो बेटे का जवाब है ए, कावर लेने के लिए जा रहा हूं, बताया तुम्हें क्या फायदा इसी कावर का? पिता पानी को प्यासे बिलखते रहे, तो शिव पे कावर चढ़ाने से क्या फायदा? ओहो हो Thank you.
दूंगा। इस भजन का लास्ट वर्स गाने के लिए जा रहा हूं। बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। आपने देखा होगा शादी के बाद ही माहौल क्यों बनता है कि माँ बाप वृद्ध आश्रम जाते हैं, शादी से पहले क्यों नहीं होता ऐसा, क्यों? इसमें कारण है, हमारे घर में जो बहू आती है उनकी ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। आते ही घर में दंगा कर दिया, कह दिया कि अगर माँ बाप घर में रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी, अब बेटे की आफत आ जाती है। इससे मना कर दिया तो ये मर गई, और माँ बाप को छोड़ दिया तो संसार रुकेगा, मुझे करें तो क्या करें। लेकिन मैं सबसे नहीं कह रहा हूं, सब एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन मैं उन बहुओं से कह रहा हूं जो अपने सास ससुर को भूल जाती हैं। तुम्हारे लिए तो वो भी माँ बाप थे जहां तुमने जन्म लिया, और उनसे बढ़कर के माँ बाप तुम्हारे लिए ये हैं जहां तुम अब आई हो, लेकिन उन्हें भूल जाती है। मैं आज यहां से कह देता हूं उन बहुओं को कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता है। अपने सास ससुर की सेवा नहीं की तो कभी संसार में स्वर्ग नहीं मिलेगा, चाहे सास ससुर कैसे भी सही दिन रात गाली क्यों न दे, लेकिन नहीं, सेवा सबसे पहले जरूरी है। अपने माँ बाप की भी तो गाली खाई थी वहां पर, तो सेवा सबसे पहले जरूरी है। अगर अपने सास ससुर की सेवा कर ली तो इस संसार में, इस दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। क्यों? सुन ले रामू, ये तेरा ना होगा भला। हमारे रामू भाई जलेसर से बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं चाहूंगा उन्होंने इस भजन को लिखा है, आप एक बार सम्मान में जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए। सुन ले रामू, ये तेरा ना होगा भला, फिर ये गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा। सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं काशी मथुरा में, पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे तो शिव पे कावर चढ़ा क्या फायदा। जग जननी के तन पे है धोती फटी, माँ पे चूंदर चढ़ा क्या फायदा। माँ पे चूंदर चढ़ाने से क्या फायदा। घर पे अरे घर पे पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे तो शिव पे काबर चढ़ाने से क्या फायदा।